हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज हमारे पास आई है BMW X7। देखिए आगे से कितनी प्यारी लग रही है, और मैं इसकी की दिखाऊंगा तो की कुछ इस टाइप की है, और मैं दिखाता हूं आपको। देखिए की कुछ आपको इस टाइप की मिल जाती है। देखिए कितनी प्यारी की है, और इसमें सारे के सारे फीचर मिल जाते हैं। ये देखिए आप यहाँ से अनलॉक कर सकते हैं और बूट ओपन कर सकते हैं, और यहाँ से की पावर ऑफ कर सकते हैं, ऑन कर सकते हैं। और कार की मैं बात करूँ तो कार कुछ इस टाइप की लग रही है। आगे से कार कुछ इस टाइप की है, और कार का है VIP नंबर, देखिए 0002। काफ़ी फेमस की कार है ये, आप सभी जानते होंगे, नंबर वगैरह से आपने पहचान लिया होगा किसकी कार है ये। और फ्रंट की मैं बात करूँ, फ्रंट में आपको मिल जाती है कुछ इस टाइप की ग्रिल, काफ़ी प्यारी लग रही है। ये देखिए लाइन सी ग्रिल में मिल जाती है आपको, और इधर की साइड मिल जाती है आपको BMW की हेडलाइट, जो काफ़ी प्यारी लगती है, LED है फुल्ली। और यहाँ पर आपको ये प्रोजेक्टर मिल जाता है, इस साइड भी प्रोजेक्टर है आपको, हाई बीम लो बीम सब मिल जाता है। सो नीचे की साइड मिल जाते हैं आपको फॉग लैंप्स और सेंसर्स वगैरह मिल जाते हैं आपको। ये देखिए 1, 2 और इधर की साइड 3 और 4 सेंसर मिल जाते हैं आपको। और इधर मिल जाता है आपको फ्रंट में कैमरा, और इधर नंबर प्लेसमेंट मिल जाती है। नीचे की साइड कुछ इस टाइप की लग रही है आगे से, और ऊपर की साइड मिल जाता है आपको BMW का लोगो। ये देखिए इसी की तो कीमत है असली, कुछ इस टाइप की मिल रही है BMW, आगे से कुछ इस टाइप की लग रही है। और साइड की मैं बात करूं तो साइड में आपको कुछ इस टाइप का मिल जाता है, साइड कुछ इस टाइप का है। देखिए साइड कुछ इस टाइप का मिल जाता है आपको, और सो इसमें मिल जाते हैं आपको कुछ इस टाइप के अलॉय व्हील। ये देखिए BMW का आपको लोगो मिल जाता है अलॉय व्हील में, और इधर की साइड डिस्क ब्रेक मिल जाती है आपको, काफ़ी बड़ी डिस्क ब्रेक मिल जाती है। और टायर प्रोफाइल की बात करूँ मैं तो टायर प्रोफाइल मिल जाता है आपको 285/45R21 का मिल जाता है प्रोफाइल आपको, किस इस टाइप का है अलॉय, काफ़ी बड़े अलॉय हैं, 21 इंच के अलॉय मिल जाते हैं। और इधर की साइड आपको M सीरीज़ का लोगो मिल जाता है, और यहाँ पे मिल जाता है आपको साइड मिरर मिल जाता है, साइड मिरर में आपको इंडिकेटर मिल जाता है, और यहाँ की साइड कैमरा मिल जाता है आपको। और ये देखिए कुछ इस टाइप का ही मिल जाता है आपको, ये डोर हैंडल आपको यहाँ पर सेंसर मिल जाता है, यहाँ से आप ओपन कर सकते हैं। और पीछे वाला भी कुछ इस टाइप का मिल जाता है डोर हैंडल, और जाता है आपको फ्यूल कैप, कुछ इस टाइप का फ्यूल कैप है। और पीछे का अलॉय व्हील भी, टायर प्रोफाइल की बात करूँ तो मैं पीछे का टायर प्रोफाइल भी सेम है 285/45R21, वो 21 इंच के अलॉय मिलते हैं पीछे भी। और पीछे भी आपको डिस्क ब्रेक मिल जाती है, और BMW का लोगो मिल जाता है बीच में, और ऊपर मिल जाती है रूफ रेल्स कुछ इस टाइप की हैं, कुछ इस टाइप की मिल जाती है रूफ रेल्स। और बैक लुक की मैं बात करूँ, बैक लुक कुछ इस टाइप का मिल जाता है, ये देखिए कितनी प्यारी लग रही है पीछे से। और ऊपर की साइड मिल जाता है आपको ये स्पॉइलर, ये देखिए, और यहाँ से आपको लाइट मिल जाती है। और नीचे की साइड मिल जाता है आपको ये वाइपर का, और इधर की साइड मिल जाता है आपको ये बैक लाइट मिल जाती है, और ऊपर मिल जाता है आपको एक्स ड्राइव 40i का ये बैजिंग मिल जाती है। और नीचे की साइड मिल जाता है आपको कैमरा कुछ इस टाइप का है, और इधर लोगो मिल जाता है, और इधर मिलती है आपको X7 की बैजिंग, और ये लाइट भी कुछ इस टाइप की है। और नीचे की साइड में बात करूँ रिफ्लेक्टर मिल जाता है आपको, रिफ्लेक्टर कुछ इस टाइप का है, और इधर मिल जाता है आपको एग्जॉस्ट, ये देखिए एग्जॉस्ट। और सेंसर मिल जाते हैं आपको पीछे भी 1, 2, 3, 4 सेंसर मिल जाते हैं, और दोनों साइड आपको एग्जॉस्ट मिल जाता है, कुछ इस टाइप का एग्जॉस्ट है, दोनों साइड मिल जाते हैं आपको। और इस साइड तो वही सेम है सब कुछ। सो चलिए इंटीरियर की बात करें, इंटीरियर दिखाता हूँ मैं आपको, इंटीरियर मैं दिखाता हूँ, पहले कार को अनलॉक कर लेते हैं, कार खुली हुई अभी तो। और ये देखिए इंटीरियर कितना प्यारा मिलता है आपको, डुअल टोन में इंटीरियर मिल जाता है, ये देखिए टैन कलर में मिलता है ये। और इधर की साइड आपको, बस ये मेरे को पसंद नहीं लगता है, पता नहीं क्या, ये ऑल्टो टाइप का देते हैं, ये पता नहीं क्यों ऐसा देते हैं। और इस साइड की मैं बात करूँ, इस साइड कुछ आपको स्पेस मिल जाता है, और ये पावर विंडो के कंट्रोल्स मिल जाते हैं, और ये साइड मिरर के कंट्रोल मिल जाते हैं आपको, और यहाँ से बूट का कंट्रोल मिल जाता है। इस साइड मिल जाता है आपको सारे के सारे सीट्स के कंट्रोल, सारे के सारे आप यहाँ से सेट कर सकते हैं, और यहाँ से आप कार को खोल सकते हैं, यहाँ से लॉक अनलॉक भी कर सकते हैं। और नीचे की साइड आपको थोड़ा स्पेस मिल जाता है,
ये देखिए बॉटल वगैरह आप रख सकते हैं, और यहाँ पे मिल जाता है आपको चढ़ने का, ये आराम से आप चढ़ भी सकते हैं इसके इससे। और इधर मिल जाते हैं आपको ये सारे के सारे सीट्स के कंट्रोल, आप इसी से बटन से ही आगे पीछे कर सकते हैं। देखिए कंफर्ट जैसे कि बढ़ाना आपको ये सब कुछ हो जाएगा यहाँ से भी। आप देखिए ये जैसे कि आगे पीछे हो रही है, ये देखिए, और ये देखिए यहाँ से सारे के सारे कंट्रोल कर सकते हैं आप। और सो इस टाइप का मिल जाता है आपको स्पीडोमीटर, देखिए फुल्ली डिजिटल सारे के सारे फीचर मिल जाते हैं आपको स्पीड के, और सारे के सारे मैं स्टार्ट करके दिखाऊं तो ये देखिए स्टेयरिंग अपने आप नीचे आ रहा है, स्टार्ट करी मैंने कार तो। और कुछ इस टाइप का मिल जाता है आपको स्पीडोमीटर फुल्ली डिजिटल, इसमें आपको मिल जाती है 260 तक की स्पीड, और ये पेट्रोल है सो इसमें मिल जाता है 7000 तक का RPM, सब कुछ मिल जाता है आपको, फुल्ली डिजिटल मीटर है। और इधर की साइड मिल जाता है आपको इंफोटेनमेंट सिस्टम, और जिसकी कार है वो देख लिया जब मैम सामने है, मैम कार ड्राइव कर रही हैं। और इधर की साइड मिल जाता है आपको AC वेंट सारे के सारे, और यहाँ मिल जाता है आपको नीचे के साइड स्पेस थोड़ा सा, और ये रहा ऑटोमेटिक गियर बॉक्स कुछ इस टाइप का, काफ़ी सारे फीचर्स मिल जाते हैं, सारे के सारे फीचर मिल जाते हैं आपको इसमें। और इधर की साइड मिल जाता है आपको ये देखिए स्पेस मिल जाता है कुछ आपको, इसे मैं बंद कर लेता हूँ। ये देखिए कितना बढ़िया यूनिक है, कितना ओपनिंग कितनी अच्छी है इसकी है। ये देखिए मैंने प्रेस किया, एक बार प्रेस किया, ये देखिए पूरा का पूरा खुल गया है। और इस साइड देखिए, इस साइड कुछ इस टाइप का मिल जाती है, और आपको इसमें एम्बियंस लाइट भी मिल जाती है, ये देखिए पूरी की पूरी एम्बियंस लाइट मिल जाती है। और ऊपर की साइड मिल जाता है स्पीकर वगैरह मिल जाते हैं आपको, और ऊपर के मिल जाता है आपको ये रियर व्यू मिरर, और यहाँ मिल जाता है इधर की साइड मिल जाता है आपको कुछ इस टाइप का, ये इसमें आपको मिरर वगैरह मिल जाता है, लाइट भी मिल जाती है, और यहाँ से आप कार को पकड़ भी सकते हैं। और मैं सनरूफ ऊपर की साइड दिखाऊँ, सनरूफ खोल के दिखाऊँ, यहाँ सनरूफ मिल जाता है, ये देखिए मैंने सनरूफ ओपन करा, ये देखिए सनरूफ ओपन हो चुका है, और काफ़ी बड़ा सनरूफ मिल जाता है आपको, और पीछे से भी आपको अलग सनरूफ मिल जाता है, ये देखिए छोटा सा पूरा बैक तक सनरूफ मिल जाता है आपको, ये देखिए इधर की साइड मिल जाता है आपको कुछ स्पेस, ये देखिए स्पेस मिल जाता है आपको, और इसमें भी आपको लाइट मिलती है, और इस साइड मिल जाता है आपको AC वेंट्स, और इधर की साइड भी आपको सारे के सारे कंट्रोल्स मिल जाते हैं, जैसे कि एम्बियंस लाइट नीचे मिल जाती है, और पावर विंडो के कंट्रोल मिल जाते हैं, और नीचे साइड बॉटल होल्डर मिल जाता है, बॉटल वगैरह आप रख सकते हैं इसमें, और यहाँ से भी आप कार को लॉक अनलॉक कर सकते हैं, और सारे के सारे सीट्स वगैरह सेट कर सकते हैं आप, आगे पीछे करना हो जो भी कर सकते हैं आप। और चलिए अब बैक लुक पे बैक सीट पे चलते हैं बैक सीट में दिखाऊँ तो बैक सीट का, ये देखिए यहाँ पे आपको कुछ इस टाइप का मिल जाता है बैक डोर, डुअल टोन में है बैक डोर, और यहाँ मिल जाता है आपको थोड़ा स्पेस बॉटल का, और ये मिल जाता है आपको पावर विंडो वगैरह के सारे कंट्रोल्स, थोड़ा स्पेस मिल जाता है, यहाँ मिल जाता है आपको ये डोर खोलने का। इधर की साइड मिल जाता है आपको सनशेड जो आप यहाँ से कंट्रोल कर सकते हैं सारे के सारा, और इसमें मिलती है आपको कैप्टन सीट, मैं उस साइड से दिखाता हूँ, इधर थोड़ा स्पेस सामान वगैरह रखा है। इस साइड से मैं अगर दिखाऊँ तो इस साइड मिल जाता है आपको, ये देखिए कैप्टन सीट्स मिल जाती हैं, ये देखिए इधर भी सारे के सारे सीट्स के कंट्रोल हैं, काफ़ी फीचर है, मतलब पैसा आप डाल ले हो तो सारे के सारे फीचर मिल जाते हैं। और इधर की साइड मिल जाती है आपको ये डिस्प्ले वगैरह सारी मिल जाती हैं, दोनों की दोनों डिस्प्ले मिल जाती हैं, और ये देखिए इसमें पीछे भी आपको सनरूफ मिल जाता है, और इधर मिल जाता है आपको AC वेंट्स में, और ये है 6-सीटर कार है तो इसमें आपको पीछे की साइड भी सीट मिल जाती है, ये देखिए सीट मिल जाती है, और पीछे की साइड एम्बियंस लाइट भी मिल जाती है, और कुछ इस टाइप की है पीछे से भी, ये देखिए सनरूफ कुछ बहुत बड़ा सनरूफ मिल जाता है आपको। सो बैक का दिखाऊं तो देखिए बैक लुक, और बूट खोल के दिखाता हूँ, ये देखिए मेरे को कुछ नहीं करना है, बस नीचे के साइड ऐसे पैर करना है, ये देखिए लाइट जल चुकी है, और ये देखिए बूट ओपन हो चुका है, ये देखिए कितना आराम से ओपन हो गया बूट, और कुछ इस टाइप का स्पेस मिल जाता है, थोड़ा बहुत सामान रखा हुआ है, ये देखिए, और आप यहाँ से ही बंद कर सकते हैं, ये देखिए मैंने प्रेस करा तो अपने आप बंद हो गया है, और आप की से भी बंद कर सकते हैं। 3X7 की वीडियो, वीडियो कैसी लगी है, वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, चैनल पर सब्सक्राइब कीजिए, मिलते हैं अगली वीडियो में।